नाउ टुडे आवर चैप्टर इज वाटर। वाटर के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब हमें कुछ भी नया पढ़ना नहीं है, सब पुरानी चीजें हैं, वो सिर्फ रिवाइज होगी। ठीक है। नेम अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर दैट इज फाउंड इन नेचर। नेचर में कौन सा सॉलिड फॉर्म में वाटर जो है वो आपको मिलता है? आइस। सॉलिड फॉर्म में हमें वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है? आइस ही होता है, वो नेचर में भी हमें मिलती है। हाउ डज पॉल्यूशन लीड टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर? पॉल्यूशन की वजह से पानी की कमी कैसे हो सकती है? पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी कॉजेस द स्कैरसिटी ऑफ क्लीन वाटर। पॉल्यूशन पानी की कमी किस वजह से होती है? क्योंकि हमें साफ पानी नहीं मिलता है पॉल्यूशन की वजह से, इसलिए पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है। वॉट इज एक्विफायर? एक्विफायर इज अ रॉक बॉडी दैट कंटेन्स ग्राउंड वाटर। एक्विफायर किसे कहेंगे? एक रॉक बॉडी, एक स्ट्रक्चर रॉक, जिसके अंदर क्या होता है? ग्राउंड वाटर प्रेजेंट रहता है, मतलब ग्राउंड वाटर के नीचे वाला ही पार्ट होता है ये, जहां पर क्या मिलेगा आपको? ग्राउंड पानी मिलता है, उसे उस रीजन को क्या कहा जाता है? एक्विफायर कहा जाता है। नेम वन स्टेट इन इंडिया दैट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून। सबसे ज्यादा पानी किस स्टेट में आता है इंडिया की? उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा पानी आता है ड्यूरिंग मॉनसून, मॉनसून के टाइम पर पूछ रहे हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम वन ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। एक पुराना, सबसे पुराना तरीका जिसे रेन वाटर जो है वो हार्वेस्ट किया जाता था, वो क्या था? स्टेप वेल्स, मतलब कि कुएं बना देते थे। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कुएं बनाते ताकि जितना भी पानी है वो कुओं के अंदर रह जाए, उसके बाद वो क्या करते थे? उसको साफ करके यूज कर लिया जाता था। ओके। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आते हैं थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट थ्री यूजेस ऑफ वाटर। ये तो एक बच्चों वाला क्वेश्चन है। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड फॉर इरिगेशन। खेतों में पानी देने के लिए वाटर का यूज किया जाता है, साथ में वॉशिंग के लिए और पीने के लिए तो हम यूज करते ही है। ठीक है। तो तीन यूजेस क्या है वाटर के? ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट इज वॉट इज सरफेस वाटर? नेम टू सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या है, उसके दो सोर्सेस के आपको नाम बताना। सरफेस वाटर इज बेसिकली द लार्ज वाटर बॉडीज विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस वाटर को मतलब आप नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो ऐसा पानी जो हमें अर्थ की सरफेस पर जो हमें दिख जाता है पानी, सरफेस पर जो दिखता है पानी, उसे क्या कहा जाता है? सरफेस वाटर। टू एग्जाम्पल्स क्या है इसके? रिवर्स एंड लेक्स। ओके। रिवर्स एंड लेक्स, सरफेस पर ही पानी रहता है, दिखता है हमें वो, हम उसको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? सरफेस वाटर। ऐसी वाटर बॉडीज जो अर्थ की सरफेस पर हो, अर्थ की सतह पर हो, उसे कहा जाता है सरफेस वाटर, और रिवर्स और लेक्स उनके एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अनइवन जो रेनफॉल रहती है उसके ऊपर आपको एक बताना है कि कहाँ पर ज्यादा पानी आता है, कहाँ पर कम पानी आता है। डेजर्ट एरिया सच एज राजस्थान रिसीव्स लेस रेनफॉल, वेयर एज स्टेट सच एज उड़ीसा एंड गोवा विच आर कोस्टल स्टेट्स रिसीव हैवी रेनफॉल। अब राजस्थान में पानी कम आता है, पानी कम क्यों होता है? डेजर्ट की वजह से, वहां पर इवोपरेशन इतना होता है, वहां पानी होता ही नहीं तो पानी कैसे बनेगा? ठीक है। इवोपरेशन वहां पर होता नहीं, जितना होता है उतनी ही रेनफॉल हो जाती है, बाकी जो बचता है वो रेनफॉल नहीं हो पाती। और उड़ीसा और गोवा ऐसी जगह है जो समुद्र तट पर है, ठीक है, उनके आसपास वहां पर बहुत सारी नदियां समुद्र है, तो वहां पर हैवी रेनफॉल होती है, उस पानी की वजह से ही हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है। तो डेजर्ट में राजस्थान, जैसे कि राजस्थान है, वहां पर लेस रेनफॉल होती है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है बेटा, कहाँ है क्रैश कोर्स? ऐसा कुछ मैंने तो वर्ड बनाया। क्रैश कोर्स होता है किसी भी कोर्स को फटाफट कंप्लीट करा देना, मेन मेन चीजें बताना, उसे क्रैश कोर्स कहा जाता है। ठीक है। डेजर्ट एरिया में लेस रेनफॉल होती है जैसे राजस्थान, और स्टेट जैसे कि उड़ीसा और गोवा, वहां पर हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लैंड। क्या क्या इफेक्ट होता है ह्यूमंस पर, प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, और साथ ही में लैंड पर भी पानी की कमी का? वाटर इज अ नेसेसिटी फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। वाटर स्कैर्सिटी कैन इंक्रीज इलनेस रिलेटेड टू लैक ऑफ क्लीन वाटर अमंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब पानी सबकी बेसिक नीड है, ठीक है, पानी तो बेसिक नीड है, पर अगर क्लीन वाटर नहीं होगा तो आपको बीमारियां बढ़ सकती हैं, और वो बीमारियां किस पे अफेक्ट करेंगी? ह्यूमंस पर और साथ ही में एनिमल्स पर। ठीक है। प्लांट्स कैन ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर एज वाटर इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट भी जो है वो भी मर सकते हैं क्योंकि पानी की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म करते हैं तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं,
तभी तो वो जिंदा रह पाते हैं। अगर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट का भी नुकसान हो जाएगा। वाटर स्कैसिटी कैन मेक द सॉइल इनफर्टाइल एंड ऑल्सो रिजल्ट इन ड्रॉट। पानी की अगर कमी हो गई तो जमीन पूरी तरह सूख जाएगी। सूख गई तो मतलब वहां पर अब नए पौधे आप खेती नहीं कर सकते, और फिर क्या कंडीशन आ जाएगी, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी, हर तरफ सूखा हो जाएगा। इसलिए लैंड पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, और एनिमल्स प्लांट्स पर तो होता ही है, और साथ में ह्यूमंस पर भी बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट होता है। ओके, एक बार मैं आंसर पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वाटर इज अ नेसेसिटी फॉर ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। वाटर स्कैरिसिटी कैन इंक्रीज इलनेस रिलेटेड टू लैक ऑफ क्लीन वाटर अमंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स कैन ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर एज वाटर इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वाटर स्कैरिसिटी कैन मेक द सॉइल इनफर्टाइल एंड ऑल्सो रिजल्ट इन ड्रॉट। ओके, ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए क्या दिया इसमें। वॉट इज ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन क्या होता है? Drip irrigation is an effective way of watering plant in the desired amount. Drip irrigation क्या होता है? Plant को water करना एक specific amount. The pipes are placed through the land and water keeps coming out of the pores of the pipe slowly. अब पाइप को बिछा दिया जाता है पूरे लैंड में, उसके अंदर थोड़े थोड़े छेद होते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर में छेद होते हैं, तो वो उसमें से धीरे धीरे पानी जो है वो आता रहता है। This prevents the wastage of water and make irrigation इरीगेशन एफिशिएंट। इससे क्या होता है, पानी जो है वो डायरेक्टली जड़ों में जाता है और धीरे धीरे जाता है, तेज जाता नहीं, तो पानी फैलता नहीं, एकदम खराब नहीं होता है, ना तो प्लांट्स खराब होते हैं उससे, ना ही सॉइल जो है वो डिस्टर्ब होता है। प्लांट अपनी जगह रहते हैं, पाइप उनके पास से निकलते रहते हैं, वहां पर बूंद बूंद से पानी डलता रहता है। तो इससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज नहीं होता, साथ ही में इरीगेशन भी जो है वो अच्छे से हो जाता है, हर प्लांट को पानी जो है वो अच्छी तरह से मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है ड्रिप इरीगेशन। Drip irrigation is an effective way of watering plant in the desired amount. The pipes are placed through the land and water keeps coming out of the pores of the pipe. Pores का मतलब होता है छोटे छोटे छेद, ठीक है। This prevents the wastage of water and make irrigation efficient. इससे पानी का wastage नहीं होता और irrigation भी अच्छे से हो जाता है। Okay? Now, next question is, describe how water in different form is distributed on the earth. वाटर जो है कैसे अलग अलग फॉर्म्स में अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी देखा जाए तो कोई लॉन्ग आंसर्स नहीं, ऑलमोस्ट सभी आंसर्स जो है स्टार्टिंग फर्स्ट वाले जो थे आपके वो तो वेरी शॉर्ट ही थे, ठीक है, वेरी वेरी शॉर्ट थे वो। तो अब ये जो आंसर्स है ये शॉर्ट आंसर्स है, और ये वाले आंसर्स भी आपने लॉन्ग आंसर्स नहीं बोल सकते, ये भी शॉर्ट आंसर ही है। सिर्फ फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, बट वो बहुत सिंपल सा। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, ये चीजें आपको पता है, ओके, आपने ये देखी है, पढ़ी है, तो आप इजीली इसको समझ के जल्दी कर सकते हैं। अगर कोई नई चीज होती है तो उसमें टाइम भी लगता है, बट इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ। वाटर कैन बी फाउंड इन सॉलिड स्टेट ऑन माउंटेन वेयर रिवर्स जनरली ओरिजिनेट। यहाँ पर स्टार्टिंग में वाटर आएगा, ठीक है। कैन बी फाउंड इन सॉलिड स्टेट ऑन माउंटेन्स वेयर रिवर्स जनरली ओरिजिनेट। अब वाटर जो है हमें कैसे मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है माउंटेन्स के ऊपर, मतलब बर्फ के फॉर्म में मिलता है, फिर वहीं से वो पिघल के क्या होता है, वहीं से वो बहना शुरू होता है, वहां से क्या होता है, नदियों का बनना स्टार्ट हो जाता है। रिवर आर द वाटर बॉडीज दैट कैरी वाटर टू द ओशंस और सीज। और फिर वही रिवर क्या करती है, वो वाटर को जाती है ओशंस और सीज तक। वाटर इज ऑल्सो फाउंड नियर द पोल्स इन द फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स। और पोल्स जो हमारे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां पर भी ग्लेशियर के फॉर्म में हमें पानी मिल जाता है, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में मिला पहले हमें पानी, उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म बना, लिक्विड फॉर्म से वापस वो कैसा बन गया, सॉलिड फॉर्म में हमें पोल्स पर मिल गया, ग्लेशियर्स फॉर्म में वो हमें वहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में अर्थ पर पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा वाटर। ओके, water can be found in the solid state on mountains where rivers generally originated. Rivers are the water bodies that carry water to the oceans or seas. Water is also found near the poles in the forms of glaciers. Okay, now next is, how does water cycle maintain the amount of water on earth? Water cycle kaise maintain karti hai amount of water on earth, earth par amount jo kaise maintain karta hai water cycle ke jaise, as the water evaporates the level on the earth surface decreases. जैसे पानी evaporate हुआ, भाप बना, तो पानी का level जो है अर्थ पर कम हो गया। But the water vapor condenses and falls back on the earth in the form of rain. But क्या होता है, वो water vapor एक साथ condense हुए, ठीक है, और क्या हुआ, पानी rain बनकर वो वापस अर्थ पर
आ गए। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड बाय बैलेंसिंग द वाटर लेवल। इसी वजह से क्या होता है, अमाउंट जो है वाटर साइकिल की वजह से अमाउंट जो है वो मेंटेन रहता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, और वो बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि इवॉपरेशन में हुआ है, जितना पानी इवॉपरेट हुआ है उतना ही पानी वापस कंडेंस होकर लेवल में आ जाता है। ठीक है, एज द वॉटर इवॉपरेट्स द वॉटर लेवल ऑन द अर्थ सर्फेस डिक्रीजेज, बट द वॉटर वेपर कंडेंस एंड फॉल्स बैक ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ वॉटर इज मेंटेन्ड बाय बैलेंसिंग द वॉटर लेवल। ओके, नेक्स्ट इज वॉटर स्कैरसिटी। वॉट इज वॉटर स्कैरसिटी, एक्सप्लेन इट्स कॉजेस। वॉटर स्कैरसिटी क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना, मतलब पानी का कमी होना। द कंडीशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग बेसिक नीड सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कैरिंग प्रॉपर हाइजीन इज कॉल्ड स्कैरसिटी ऑफ वॉटर। यहाँ फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, जहां पर मेरा पॉइंट है ना अभी, स्कैरसिटी ऑफ वॉटर के बाद फुल स्टॉप। Now, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पानी की कमी होना, ताकि हमारी बेसिक नीड है जैसे पानी पीना, कुकिंग करना, बाथिंग करना, या फिर एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए अगर हमें पानी की कमी हो रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वाटर स्कैरसिटी, मतलब पानी की कमी हो रही है। वाटर स्कैरसिटी ऑक्यर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड डिफॉरेस्टेशन। अब ये जो है पानी की कमी किस वजह से हुई है, सबसे पहले तो ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी वजह से। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर जगह इंडस्ट्रीज बन रही है, पानी ज्यादा यूज हो रहा है। अर्बनाइजेशन, कहीं पर भी अब गांव नहीं रहा है, हर चीज क्या हो गई, शहर बन चुका है। हमारा जावा ही देखो अब कितना बड़ा हो चुका है, मतलब कि इतनी नई नई कॉलोनीज निकल गई जहां तक मैं अभी तक गई थी। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से होता है। एग्रीकल्चर में भी पानी जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सॉइल अब उतने काबिल नहीं रहे कि सॉइल के अंदर सारे केमिकल्स डाल डाल के उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो अब वो सिर्फ बाहर के पानी पर ही निर्भर हो चुके हैं। पॉल्यूशन, गंदगी, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, और साथ ही में डिफॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ों की कटिंग करते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग बेसिक नीड्स सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कैरिंग प्रॉपर हाइजीन इज कॉल्ड स्कैरसिटी ऑफ वाटर। वाटर स्कैरसिटी ऑकर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो ये था हमारा वाटर स्कैरसिटी और उसके कॉजेस। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड डिस्क्राइब टू मेथड टू कंजर्व वाटर। सबसे पहले आपको बताना है कि वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, और साथ ही में उसकी दो मेथड्स भी बता रहे हैं कि हम कैसे पानी को बचा सकते हैं। हमें आज से ही आप लोग मतलब सोच सकते हैं कि हमें पानी की इतनी कमी हो सकती है फ्यूचर में कि हो सकता है हमारे पास पानी बचे ही ना। ठीक है, तो इसलिए हमें पानी को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। अब देखें वो कैसे हो सकता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज वाटर केयरफुली टू कंजर्व इट। वाटर कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग वाटर एफिशिएंटली टू अवॉइड वेस्टेज एंड मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज टू इंश्योर फ्यूचर सप्लाई। अब वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले ही पानी जो है हमारे पास वो ज्यादातर तो सॉल्टी वाटर है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। क्लीन वाटर जो है वो बहुत कम है, तो हमें उसको बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करें, आप यूज करने के लिए मना नहीं हो रहा, ऐसा पता चल रहा है कि यूज ही नहीं कर रहे, 15 दिन तक नहा नहीं रहे हो, गंदे बैठे हो, ये भी नहीं होना। ठीक है, रोज नहाइए, बट ज्यादा वेस्ट पानी ना कीजिए, पानी का यूज कीजिए, उससे अच्छे से यूज कीजिए, उसको वेस्ट नहीं होने देना आपको। साथ ही में जहां से हमें पानी मिल रहा है, वाटर रिसोर्स जो है हमारा, उसे हमें बचा के रखना, ताकि फ्यूचर में हमें पानी मिल जाए उससे। टू मेथड्स टू कंजर्व वाटर आर, दो मेथड जिससे आप पानी को कंजर्व कर सकते हैं। पहला है ट्रीटिंग वेस्ट वाटर प्रॉपरली, जो गंदा पानी आता है उसे ढंग से ट्रीट करना चाहिए, सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल एफिलियंट्स कंटेन अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स एज कंटेमिनेंट्स, सीवेज फ्रॉम होम्स एंड अदर बिल्डिंग्स टू कंटेन्स डिफरेंट वेस्ट। दिस वेस्ट वाटर कॉजेज पॉल्यूशन एंड शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट रिलीज इन टू वाटर बॉडीज। अब पानी डालें नदियों में, ओशंस में पानी डालें आप, बट एटलीस्ट उसमें से जो इनसॉल्युबल चीजें हैं वो निकाल लें, या कुछ केमिकल ऐसे डाल दें जिससे जितनी भी इनसॉल्युबल चीजें हैं वो अलग हो जाए। या फिर आपने एक फोटो देखा होगा, बहुत ज्यादा चल रहा था कि एक उन लोगों ने जहाँ पर ड्रेनेज होता है वहां पर उन्होंने नेट लगा रखी, तो जितना भी गंदा होता है, जितनी भी गंद होती है वो उसमें अटक जाती है, और जो पानी पानी होता है वो
निकल जाता है। ठीक है, तो वही हमें भी करना चाहिए, हमारे देश में भी होना चाहिए, ताकि पानी, वाटर बॉडीज में आप डालें पानी, बट एटलीस्ट उसे साफ करके डालें। नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग वाटर। द वाटर फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज कैन बी रिसाइकल। आप घर का भी, घर पे भी जो पानी रहता है उसे भी रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने जैसे सब्जियां और फल धोए, तो नल चालू करके ना धो के एक बाउल के अंदर आप पानी भर लें, उसके अंदर सब्जियां डाल के उसे धो लें, फिर वो जो बचा हुआ पानी है वो आप प्लांट्स में डाल दें। ठीक है, या फिर वॉशरूम में डाल दें, वहां भी जरूरत होती है तो प्लांट्स में अगर डाल दें तो प्लांट्स को पानी मिल जाएगा, हमारे फ्रूट्स भी साफ हो गए। इसलिए हमें इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है, घर से जो पानी निकलता है, उसे रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल वाटर दैट इज ट्रीटेड टू बिकम रिलेटिवली फ्री ऑफ कंटेमिनेट कैन बी यूज टू फ्लश टॉयलेट एंड फॉर वाटरिंग प्लांट्स। देखो वही चीज है यहाँ पर, अगर इतना ज्यादा गंदा पानी नहीं है तो आप, बहुत ज्यादा अगर गंदा है तो आप उसे फेंक दें, बट वो फेंकना भी कहाँ पर, उस पानी को भी आप टॉयलेट में फेंक देना, आपको क्या जरूरत है, फ्लश करने में तो काम आ ही जाएगा वो। साथ ही में जो वाटर, जो पान प्लांट के अंदर आप पानी डाल रहे हैं वो भी देखें ज्यादा गंदा नहीं है, तो आप उसके अंदर, पौधों के अंदर डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा गंदा पानी दूसरा आप टॉयलेट में, तो आप कोई सा भी पानी इजीली डाल सकते हैं। हाँ, सिर्फ ऐसा पानी नहीं डालना टॉयलेट में जिसके अंदर कुछ सॉलिड मटेरियल हो। ओके, तो ये थे कुछ मेथड्स रिसाइकलिंग के, जैसे पानी को आप वापस रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। एक बार मैं इस आंसर को पढ़ देती हूँ तो आपको अच्छे से सुन लीजिए। It is important to use water carefully to conserve it. Water conservation involves using water efficiently to avoid wastage and managing water resources to ensure future supply. Two methods to conserve water are, first is treating wastewater properly. Industrial effluents contain a variety of chemicals as contaminants, sewage from homes and other buildings do contain different waste. This wastewater causes pollution and should be treated before it releases into water bodies. Recycling water, the water from homes and industries can be recycled. Recycled water that is treated to become relatively free of contaminants can be used to flush toilets or for watering plants. Okay, तो ये हमारा chapter finish हो गया है, कल हम आ जाएंगे हमारे last chapter पर। ठीक है, देखते हैं हम क्या होता है उसके आगे। फिर ये आप लोग ध्यान से लर्न कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, और एटलीस्ट एक बार इसे राइट जरूर कीजिएगा। ओके।